नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। अम्बाला की कपड़ा मार्केट इन दिनों कई तरह की परेशानियों का सामना कर रही है, जिसमें सबसे मुख्य कारण ये है कि अम्बाला की मार्केट जो है वो पिछले लगभग 40 से 50 सालों से वीरवार को बंद होती थी, लेकिन अब सोमवार को ये मार्केट बंद की जा रही है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं यहाँ पर दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अम्बाला के आसपास के जो बाज़ार हैं वो सोमवार को बंद होते हैं और वहाँ के व्यापारी सोमवार के दिन यहाँ खरीदारी करने पहुँचते हैं, लेकिन अब ताज़ा नियमों के तहत अम्बाला की मार्केट सोमवार को बंद रखी जाती है। इसी को लेकर आज कपड़ा मार्केट के जो पदाधिकारी हैं, प्रधान हैं, उन्होंने कुछ डिमांड की है। वो क्या कुछ इनकी मांग है, उसके लिए बातचीत के लिए विशाल बत्रा जी जो प्रधान है वो हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। विशाल जी, क्या कुछ डिमांड है आपकी, किस तरह से कारण मानते हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं? देखो, ऐसा था कि पहले हमारी जो ऑर्डर्स निकले थे उसमें ये निकला था कि भी इन लोगों ने, जो प्रशासन है उन्होंने कहा था कि भी संडे बाज़ार बंद रखेंगे, तो हमने माननीय विधायक श्री रसीम गोयल जी से अनुरोध किया था कि संडे को जो हमारा बाज़ार है वो मेन होलसेल के लिए है और व्यापारी दूर दराज से यहाँ कपड़ा खरीदने आता है, तो वो डिमांड हम लोगों की पूरी हुई थी। बट अब 30 जून के बाद हम लोगों की ये डिमांड है कि जो हमारा बाज़ार है, जैसे वीरवार को बंद होता आ रहा है, पिछले 40 साल से हमारा बाज़ार कपड़ा मार्केट जो है वीरवार को बंद होता आ रहा है, तो हमारी ये डिमांड है कि जो बाज़ार है हमारा सोमवार खुले और वीरवार को बंद हो। जैसे कि हमारे यहाँ 15-20 दिसावर हैं, जैसे पौंटा साहिब हो गया, मनी माजरा हो गया, मुल्लापुर हो गया, पंचकुला हो गया, विकास नगर हो गया, यमुनानगर हो गया, ये सारी मंडियाँ सोमवार को बंद रहती हैं, और जो बंद होने के कारण से ये लोग हमारे यहाँ कपड़ा परचेज़ करने के लिए नहीं आ रहे, तो हमारी प्रशासन से भी और माननीय विधायक साहब से भी हमारा ये अनुरोध है कि जो हमारी ये डिमांड है वो पूरी की जाए, ताकि जो और नुकसान है वो हमारे को ना हो। सर, विधायक जी ने क्या कुछ आश्वासन दिया है अभी? बिल्कुल, विधायक साहब ने बिल्कुल हमारे को आश्वासन दिया कि जो आपकी डिमांड है वो आपकी पूरी की जाएगी, और 30 जून के बाद जो हमारी ये वीरवार कपड़ा मार्केट का जो ये हम लोग उनको प्रशासन के पास भी जाएंगे, तो वो हमारी डिमांड पूरी की जाएगी। सर, पहले लेफ्ट और राइट के हिसाब से मार्केट खोली जा रही थी, फिर आप लोगों ने डिमांड की कि मंडे को बंद कर दी जाए, अब क्या कारण है कि अब आप कह रहे हैं कि मंडे को खोली जाए? हमने डिमांड मंडे को बंद करने की नहीं की, हमारी लेफ्ट और राइट के हिसाब से मार्केट खुल रही थी, तो जब प्रशासन ने ये डिसाइड किया कि मार्केट 6 दिन खोलनी है, तो तब प्रशासन ने ये बोला कि प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उनको परेशानी होगी अलग अलग दिनों के लिए, तो उन्होंने तब ये कहा था कि मंडे को हम बंद कर देते हैं, और उन्होंने उस वक्त मंडे को बंद करते वक्त भी यही हमारे को कहा था कि 30 जून तक आप मंडे बंद करिए, उसके बाद इसके ऊपर पुनः विचार किया जाएगा। तो उस बात को हमने इसीलिए मान लिया कि एक महीना की बात है, प्रशासन से हम पूरा सहयोग करते आए हैं और करते रहेंगे, और उसके बाद उन्होंने भी हमें यही आश्वासन दिया था कि आपकी मार्केट जैसे पहले बंद हुआ करती थी वीरवार को, उसी तरह से बंद की जाएगी, तो छुट्टी जो है वो वीरवार की ही रहेगी। तो हमारा प्रशासन से पुनः अनुरोध है कि मतलब हमारी मार्केट को वीरवार को बंद करके सोमवार को खोला जाए। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अम्बाला में काफ़ी आसपास के इलाके जो हैं वो सोमवार को बंद रहते हैं, तो वो सोमवार को व्यापार करने आते थे, उसका असर क्या पड़ रहा है? देखिए, जो व्यापारी यहाँ पे नहीं आ पाते उसका असर तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि 15-20 शहर हैं जो जिनकी सोमवार को छुट्टी होती है, और वो लोग अम्बाला में बिल्कुल नहीं आ पा रहे हैं। तो वीरवार को जैसे हमारी मार्केट पूरी तरह से बंद होती है, तो वीरवार तो हमारा पूरा शून्य ही जा रहा है फिलहाल। और कब से डिमांड है आपकी कि ये जो मांग है आपकी वीरवार वाली, कब से लागू की जाए? ये 30 जून के बाद होगी ना हमारी, 30 जून तक उन्होंने बोला था कि हमारे 30 जून तक हमको ये ऑर्डर जारी किए गए हैं, आपको 30 जून के बाद एक बार फिर रिव्यू किया जाएगा। तो हमारी प्रशासन से यही डिमांड है कि 30 जून के बाद हमें वीरवार की छुट्टी द्वारा दी जाए और सोमवार को खुला किया जाए। तो ये अम्बाला की कपड़ा मार्केट की मांग है कि जिस तरह से पिछले 40 वर्षों से लगातार मार्केट जो है वो वीरवार को बंद होती थी, उसी तरह से अब 30 जून के बाद दोबारा वही नियम लागू किया जाए, ताकि आसपास के जो शहर हैं वहाँ से व्यापार करने वाले आने वाले लोगों को किसी भी तरह की समस्या ना हो। बहरहाल, आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए।